नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आदर्श किसान मार्टर पे। और आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से मून केक्टस होता है। एक बार नीचे करना, ये देखो मून केक्टस है और इसकी कटिंग ग्रो होती है और ये काफ़ी अच्छा प्लांट है। सर्दियों में भी ग्रो कर सकते हो आप, 12 महीने कभी भी इसे ग्रो कर सकते हो और काफ़ी अच्छा दिखता है। इसका जो पिरामिड बनता है, जो आप नीचे एक इसमें आ गया, फिर ये रूट्स है, फिर ये है, तो ये इसकी रूट्स ही है। तो इसको किस तरीके से कटिंग की सहायता से आप लगा सकते हो, इसमें दो वेराइटी होती है, एक तो ये ग्रीन होता है, एक ये वाइट वाला होता है। आपको दोनों दिख रहे होंगे, इसमें ये वाइट वाला है और ये ग्रीन वाला है। तो इनकी दोनों की आप कटिंग लेके और इजी वे में आप ग्रो कर सकते हो। तो आप छोटी से छोटी टहनी भी अगर इसी काट के यूज करते हो तो ये आराम से ग्रो हो जाएगा। और थोड़ा ध्यान रखें कि इसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं, तो उसका ज़रूर ध्यान रखें। ग्लव्स आपके पास हो तो ग्लव्स पहन के और फिर यूज करें, और बाकी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। या एक बार हाथ आप किसी चीज़ से रगड़ोगे तो भी ये सही हो जाएगा। और ये देख सकते हो, मैं इसमें ये दो रूट्स ले लेता हूँ, इसमें थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा, उसके बाद में कटिंग करेंगे। ये रूट्स में इसकी एक ले लेता हूँ और ये चार जो हमारे पास टुकड़े हैं इसके मून केक्टस के, वो ग्रो करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारे पास में 4 इंची के पोर्ट है और इसमें हमने कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और जो गार्डनिंग सोइल है वो उसका मिक्स तैयार किया है। ये आप देख सकते हो, इसमें मिट्टी भी है और वर्मी कंपोस्ट है और कोकोपीट है। जिस कोकोपीट से क्या है, ये मीडिया को हल्का बनाता है और पानी को जल्दी से रिमूव कर देता है और नमी बनाए रखता है। अब लगाने का जो तरीका है, आप इसको किसी भी तरीके से आप ऐसे डाल भी दोगे तो भी ये ग्रो हो जाएगा, बट हमें सीधे तरीके से लगाना है इसको। इस तरीके से आप इसे लगा दें और ये लो, ऐसे मैं लगा देता हूँ। फिर आप इसमें पानी चाहिए तो ये 2 दिन आप इसे रोक सकते हो, या फिर पानी दो तो बिल्कुल हल्का पानी देना है आपको, और एक बार देने के बाद में आप 4 से 5 दिन इसमें पानी को रोक दें। इस तरीके से आपको लगाना है और सेमी एरिए में आपको रखना है नेट में। ये हम अभी इसमें पानी डाल रहे हैं, हल्की आपको हल्का पानी देना है एक बार इसमें, और ये नमी से ही ग्रो कर जाएगा। ज़्यादा पानी दोगे तो गलन आ जाएगी और ये ख़राब हो जाएगा। अब हम इसे नेट हाउस अपना जो बना हुआ है इसमें रख देते हैं और ये इसमें 7 से 8 दिन में आराम से जड़ ग्रो हो जाएगी इसमें।